Hello students, this is class 7th and now we are going to continue our chapter number 9th, which is taken from English and the name is Being Neighborly. Students, we already completed part 3A, okay, part 3A, I mean scene 3A, and here I'm going to explain part 3B, I mean scene 3B, okay. I divided in part 3A and part 3B and part 3C. So this is the second last part of this chapter. Okay, students, if you didn't watch the previous part of the chapter, so first you have to watch it and then you have to come here. Okay, so in previous part, we already discussed about the conversation between Laurie and Joe and whatever narrator described their conversation. Okay, so I left here. Now I'm going to read part number 3 and I'm going to explain it. सो जो जो बोलती है उसके बारे में देखते हैं. जेंटली वी विल नेवर ड्रॉ द कर्टन एनी मोर एंड आई गिव यू लीव लुक एज मच एज यू लाइक. तो अब जेंटली मतलब बहुत प्यार से, जेंटली का मतलब होता है बहुत प्यार से. तो बहुत ही प्यार से जो जो है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, आज के बाद मैं कभी मतलब कि मैं कभी भी जो कर्टन है, जो पर्दे हैं, उसे ड्रॉ नहीं करूँगी, खींचूंगी नहीं, और तुम जितना चाहे उतना हमें मतलब कि देख सकते हो, मतलब अपनी खिड़की से, जैसे वो झांका करता था ना हमसे सब. सो आई जस्ट विश थो इंस्टीड ऑफ पीपिंग, पीपिंग का मतलब होता है स्टूडेंट झांकना, यू हैड कम ओवर एंड सी अस. तो वो बोलती है मेरी विश है कि इसके बजाय इंस्टीड यानी कि के बजाय झांकने के बजाय तुम एक काम करना कि मतलब हमें देखने के लिए हमारे घर पर ही आ जाना. मदर इज सो स्प्लेंडेड, मेरी मदर बहुत अच्छी है, शी हैड डू यू हिप्स ऑफ गुड, वो तुम्हें बहुत अच्छा फील करवाएंगी. बेथ वुड सिंग एंड एमी वुड डांस. बेथ जो है वो गाना गाएंगी, जो एमी है वो डांस करेगी. मी एंड आई वुड मेक यू लाफ, और मैं जो है वो तुम्हें बहुत हंसाएंगी. वी हैड हैव जॉली टाइम्स, और हम लोग बहुत अच्छा जॉली टाइम स्पेंड करेंगे. वुडंट योर ग्रैंडपा लेट यू, क्या तुम्हारे जो ग्रैंडपा है वो तुम्हें जाने नहीं देते. लॉरी बोलता है आई थिंक ही वुड, आई थिंक ही वुड इफ योर मदर आस्क्ड हिम. वो बोलते हैं हाँ वो मुझे जाने देंगे अगर जो तुम्हारी मम्मी है वो उनको उनसे पूछेगी तो. ही हैज हिज वेरी काइंड, वो बहुत मतलब काइंड है, बहुत ही काइंडली नेचर के हैं, बहुत ही दयालु नेचर के हैं. दो ही डज नॉट लुक सो, वो ऐसे दिखते नहीं है, मतलब वो दयालु ऐसे दिखते नहीं, मतलब वो डेंजर लुक करते हैं ना. एंड ही लेट्स मी डू वॉट आई लाइक, वो मुझे वो सब करने देते हैं जो भी मुझे पसंद है. प्रिटी मच, मैं वो हर चीज़ करता हूँ. ओनली ही इज अफ्रेड आई माइट बी बॉदर टू स्ट्रेंजर, और बट वो इस चीज़ से डरते हैं कि शायद मैं कहीं स्ट्रेंजर से मतलब कि जो स्ट्रेंजर्स हैं वो मुझे बॉदर ना कर दे, मुझे परेशान ना कर दे. स्ट्रेंड्स द मीनिंग ऑफ बॉदर इज इन हिंदी इज परेशान. ओके, सो वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स. जो अब नाउ द टर्न ऑफ जो, एंड जो सैड दैट वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, हम स्ट्रेंजर थोड़ी हैं. वी आर अ नेबर्स, हम लोग पड़ोसी हैं. एंड यू नीडंट थिंक यू हैड बी अ बॉदर, और तुम्हें ये सोचना भी नहीं चाहिए कि तुम्हें हम परेशान करेंगे, बॉदर करेंगे. वी वॉन्ट टू नो यू, हम तुम्हें जानना चाहते हैं. एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू डू इट इज इट दिस एवर सो लॉन्ग, और हम मैं मतलब कि हम लोग मतलब इसी तरीके से फ्रेंड बने रहेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग इसी तरीके से एक दूसरे को जानते रहे लंबे समय तक. कि वी हैवंट बीन हियर अ ग्रेट वाइल, मतलब मैं इस इरादे से यहाँ पे नहीं आई हूँ. यू नो बट वी हैव गॉट acquainted, दैट मीन्स स्टूडेंट्स फैमिलियर विथ ऑल अवर नेबर्स बट यू, कि हम लोग जो है वो एक्वेंटेड है अपने सभी नेबर के साथ, मतलब कि जो जितने भी जो हमारे नेबर्स हैं और वो पूरे हमारे फैमिली के जैसे हैं, और तुम भी. ओके, सो लॉरी बोलता है यू सी ग्रैंडपा लाइव्स अमंग हिज बुक्स एंड डजेंट माइंड मच व्हाट हैपन्स आउटसाइड. तो जो लॉरी है उसके रिप्लाई में बोलता है, नाउ लॉरी रिप्लाइज यू सी, तुमने देखा है ग्रैंडपा को, वो मतलब घर पे रहते हैं और सिर्फ अपनी बुक ही पढ़ते रहते हैं, वो कुछ और नहीं करते और ना ही ज़्यादा बाहर जाते हैं. मिस्टर ब्रुक जो उसके ट्यूशन टीचर है, माई ट्यूटर, डजेंट स्टे हियर, वो यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं, सिर्फ पढ़ाते और चले जाते हैं. यू नो एंड आई हैव नो वन टू गो अबाउट विथ मी, और मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ बाहर जाए. ओके, सो आई जस्ट स्टे एट होम एंड गेट ऑन एज आई कैन, तो इसीलिए मैं घर पे रुक जाता हूँ और मैं वही करता हूँ जो मुझे मतलब ठीक लगता है, जो मैं कर सकता हूँ. नाउ जो रिप्लाइज दैट्स बैड, ये बिल्कुल बैड है. यू आउट टू मेक एन एफर्ट एंड गो विजिटिंग एवरीवेयर यू आर आस्ट,
तो तुमको बिल्कुल ये घर पे तो ऐसे नहीं रुकना चाहिए, ये तुम्हें एफर्ट लगाना चाहिए कि तुम्हें कहाँ पर जाना है, विजिट करना चाहिए, बाहर में घूमना फिरना चाहिए, है ना। देन यू विल हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स एंड प्लेजेंट प्लेसेस टू गो टू। तो तुम्हें मतलब प्लेंटी मतलब कि आनंद आएगा अपने फ्रेंड के साथ घूमने में, और तुम जिस भी प्लेस में जाओगे उसके प्लेजेंट मतलब कि जो मज़े है जो खुशी है वो उठा पाओगे ना। कहीं पर भी हम लोग अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं तो कितना एंजॉय करते, तो वो वही उसको सजेस्ट करती है कि तुम्हें इस तरीके से घर पर नहीं रुकना चाहिए, अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाना चाहिए। ओके नाउ नरेटर बोलते हैं मच एलेटेड, एलेटेड दैट मीन्स स्टूडेंट्स देखिए डिलाइटेड विथ हर सक्सेस, जो टॉक्ड अबाउट देयर प्लेस एंड प्लान्स एंड एंड द इंटरेस्टिंग इवेंट्स ऑफ द लिटिल वर्ल्ड इन विच दस्टर लिफ्ट। तो ये जो मच या मैंने की सॉरी नरेटर है वो बताते हैं किसकी, मच और जो के बीच के जो बिटवीन जो कन्वर्सेशन हुआ, तो यहाँ पर वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, और जो है वो अपनी जो लिटिल वर्ल्ड है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लिटिल वर्ल्ड है मतलब कि उसके घर है, उसके जो चार सिस्टर्स हैं एंड उसकी मम्मी है, उन सबके बारे में बताती जाती है, और वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं एक दूसरे को, जो लॉरी है वो बहुत इंजॉय करता है उसके कन्वर्सेशन को, उसकी कंपनी को। देन दे गो टू टॉकिंग अबाउट बुक्स, फिर उन लोग बुक की बातें करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एंड जो एंड टू जोज डिलाइट, और जो जो है वो भी बहुत डिलाइट होती है, बहुत खुश होती है वो सब बुक्स पढ़ के। शी फाउंड दैट लॉरी लव्ड देम एज वेल एज शी डिड, और यहाँ पे जो लॉरी वो ये मतलब समझ पाती है कि यानी कि जो नरेशर है वो बताते हैं कि यहाँ पे लॉरी जितनी बुक्स पढ़ता था उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंगली और उससे ज़्यादा अच्छी बुक्स मतलब जो है वो जो को पसंद आ रही थी उसकी बुक्स। एंड शी फाउंड मतलब कि जो लॉरी है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है उन बुक्स से, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी क्योंकि लॉरी के पास तो वो बुक्स थी बट जो के पास नहीं थी, इसलिए वो सभी बुक्स को एक साथ पढ़ लेना चाह रही थी। दैम एज वेल एज शी डियर एंड ही हैड रीड इवन मोर देन हर सेल्फ, इसलिए वो ये ट्राई कर रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक को पढ़ सकी। लॉरी इफ़ यू लाइक देम सो मच, तो जो लॉरी है अब वो जब इतनी ज़्यादा बुक पढ़ती है, बुक में ही बिजी रहती है, तो जो लॉरी है वो बोलते हैं क्या तुम्हें इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है ये बुक, कम डाउन टू द लाइब्रेरी एंड सी अर्स। तो वो बोलता है चलो मेरी लाइब्रेरी में, वहाँ पे और भी बुक्स देखना। ग्रैंड फादर इज़ आउट, जो ग्रैंड पापा है वो भी मतलब कि जो ग्रैंड फादर जो दादाजी है वो भी बाहर गए हुए हैं, है ना। सो यू नीडन्ट बी अफ्रेड, तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना जो रिप्लाइज टॉसिंग हर हेड, उसने अपना सर हिलाया, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज द पार्ट सीन 3B ऑफ द चैप्टर इज बींग नेबरली। ओके सो आई एम स्टॉपिंग हियर, सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।